हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चार मंत्रा। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक ज्योग्राफी लेसन प्लान इन बीएड फाइनल ईयर। गाइस, ये जो मेरा लेसन प्लान है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में भी आप पढ़ा सकते हैं गाइस, क्योंकि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश आज का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लेसन प्लान, और आई होप कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 41 लेसन प्लान ज्योग्राफी में, 40 लेसन प्लान इंग्लिश में, और आपको मैंने इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हैं, और मैंने आपको गाइस बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड की हैं। आई होप कि वो सब आप देखे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका मीन्स प्यूपिल टीचर का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग डेट को लगी होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा लिख लेंगे, फिर आपका वर्ग होगा मीन्स सेक्शन, किस सेक्शन में आपका क्लास है। इसके बाद आपका है विषय, विषय में आप सामाजिक विज्ञान लिखेंगे और उप विषय में आप भूगोल लिखेंगे। फिर आपका आता है चक्र मीन्स कौन सा पीरियड आपका क्लास का है। इसके बाद आपका होता है अवधि मीन्स 40 मिनट, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। देन है आपका प्रकरण मीन्स टॉपिक, और आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या होता है गाइस, आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें आप 6 to 8 points लिख लेंगे। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, इसमें आपके 3 उद्देश्य होते हैं। पहले आप देख लीजिए विशिष्ट उद्देश्य होता क्या है। आपके भूगोल शिक्षण के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए इसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। सब में आप 2 2 points लिख लेंगे। इसमें देखिए छात्र भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र भारत के पड़ोसी देश की सीमा विभाजन के बारे में जान सकेंगे, छात्र भारत के पड़ोसी देश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र एशिया में भारत की स्थिति को बता सकेंगे, छात्र एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति को दर्शा सकेंगे, छात्र मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देश की सीमा की स्थिति समझ सकेंगे। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। फिर आपका शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में ये यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर विधि होगा और व्याख्या विधि होगा। प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर होता है तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और व्याख्या विधि में ये टीचर मीन्स शिक्षक केंद्रित होता है, इसमें शिक्षक जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं ये व्याख्या देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। फिर है आपका सहायक सामग्री, सहायक सामग्री मीन्स आपके टीचिंग के दौरान आप जो जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, तो यही होता है आपका सहायक सामग्री, जैसे कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, शैम्पट आदि। फिर आपका पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या होता है आपका प्रीवियस नॉलेज, जब भी आप बच्चों को कोई नॉलेज देते हैं तो हमेशा उसको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चों को आगे की नॉलेज अच्छे से मिल सके। तो फिर ये है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है, आप बच्चों से कुछ प्रस्तावित प्रश्न पूछते हैं और आपको संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चों को आंसर देने में कोई परेशानी ना हो और आगे आके आपका समस्यात्मक हो सके, जो कि आपका उद्देश्य कथन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप सब स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, घर। फिर आपका क्वेश्चन होगा, घर के अगल बगल के लोगों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, पड़ोसी।
फिर आपका क्वेश्चन होगा भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है लेसन प्लान, कि आप बच्चों को किस तरीके से उनके सामने इस टॉपिक को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके, यही होता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो देखिए यहाँ पे कुछ शिक्षण बिंदु होते हैं, दो शिक्षण बिंदु होंगे। पहले शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भारत की स्थिति और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो बच्चे आंसर देंगे एशिया महाद्वीप में। अब आप क्वेश्चन करेंगे एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है, जो कि हिंद महासागर है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप गाइस देख रहे होंगे राइट साइड में आपका श्याम पर सारांश दिख रहा होगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि आप बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाएंगे उन्हें। फिर है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चों को रीड किए होंगे, मीन्स बच्चों को जो एक्सप्लेन किए होंगे, वो आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति बताइए, कौन सा पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, हिंद महासागर भारत के किस ओर स्थित है। इसके बाद आपका आता है शिक्षण बिंदु सेकंड, यहाँ पर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है, जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत के किसी एक पड़ोसी देश का नाम बताइए, पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक हो गया। अब आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर के आसपास के लोगों को पड़ोसी कहते हैं, उसी प्रकार भारत की सीमा पर स्थित देशों को भारत के पड़ोसी देश कहते हैं। भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत के 3 ओर से घिरा हुआ देश बांग्लादेश है। भारत और नेपाल के मध्य आवागमन के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो भारत से अलग होकर पड़ोसी देश पाकिस्तान बना। भारत के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और दक्षिण में श्रीलंका है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। और गाइज आप राइट साइड देख रहे होंगे श्यामपट सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। देन है आपका बोध प्रश्न। अब आप फिर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, कि नीचे 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप निरीक्षण कार्य में बच्चों को कहेंगे अपने अपने नोटबुक में लिखने को जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे होंगे। इसमें देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्षा का निरीक्षण करेंगी। तो ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य। देन है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पर अभी तक आप जितना भी पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ, और अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर आप बच्चों के डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि ये मूल्यांकन के प्रश्न हैं। आप बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो कहाँ तक समझ सके हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, एशिया में भारत की स्थिति क्या है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, कौन सा देश भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रश्न। देन है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप होमवर्क दे देंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक, तो ये हो गया आपका होमवर्क।
गाइज यहाँ पर आके ये लेसन प्लान एंड होता है। आप TLM देख लीजिए, मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप चार्ट ले जा सकते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का ले जा सकते हैं। वर्ल्ड के मैप में आप इंडिया की स्थिति दिखा सकते हैं और इंडिया के मैप में आप भारत के पड़ोसी देशों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है वर्ल्ड मैप, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया है, और दूसरा ये है आपका इमेज, ये है आपका, इस तरीके से चार्ट ले जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए भारत के पड़ोसी देश दिख रहे हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। भारत के पड़ोसी देश देखिए, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। और आप देख रहे हैं भारत के तीन ओर से कौन सा देश घिरा हुआ है, बांग्लादेश। तो ये हो गया आपका TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।